चलो दोस्तों, आप एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और विटामिन ए आज बताने वाला हूँ, जिसे कि मैं इसके पहला वाला जो वीडियो बनाया था वो विटामिन के बारे में, सॉरी प्रोटीन के बारे में चर्चा किया था। और प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब इसमें मैं बताने वाला हूँ विटामिन ए। विटामिन ए से क्या क्या होता है? विटामिन ए पहली बात तो दूध तथा मछली के तेल में अधिक मात्रा में होता है। और इससे होने वाली बीमारी भी करना है, और कमी से होने वाली बीमारी लिखिए, कमी से होने वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होने वाली बीमारी। ठीक, अब चलिए नीली पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विटामिन ए लिखते चलिए और समझाते चलता हूँ। विटामिन ए जो होता है ये दूध तथा मछली के तेल में, दूध तथा मछली के लिए, देखिए ये सब कहते हैं ना, मछली का तेल बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वही इसमें है। मछली के तेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, मछली के तेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मछली के तेल में बहुत ज़्यादा मात्रा पाया, और यह हरी तरकारियों में भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये हरी तरकारियों में भी पाया जाता है। क्लियर हो रहा है ना? देखिए ये हरी तरकारियों में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए ये कहाँ कहाँ होता है हरी तरकारियों में, जैसे पालक हुआ, क्लियर हुआ ना, पालक हुआ, धनिया हुआ आम हुआ पपीता, टमाटर, जो हरी सब्जियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए रहता है। पपीता हुआ, टमाटर, गाजर, तो बहुत चीज़ें ये जो हरी सब्जियां होती है, नारंगी भी होता है, नारंगी हो गया, और इसके मुख्य स्रोत हैं। चलिए यही कर देते हैं बस इसके, तो हरी सब्जियां जितने आते हैं सभी होते हैं ना, इसके मुख्य स्रोत हैं। अब ये क्लियर हुआ ना, इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसके कमी से रतौधी नामक रोग होता है, कौन सा रोग होता है लिख लीजिएगा, इसके कमी से रतौधी नामक रोग होता है। ठीक, तो यही आएगा कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत लिखिए और इससे होने वाली बीमारी का नाम लिखिए। तो पहली बात तो ये मछली के तेल और दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। और देखिए जो हरी सब्जियों में होता है इसमें भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर विटामिन ए की कमी आपके अंदर दिख रही है तो समझ लीजिए या आपको रतौधी हो सकता है, या आपकी आँख में प्रॉब्लम भी आ सका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूँ, अब की बार 100% पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जाके पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।